यूपी के जिला बुलंदशहर क्षेत्र के जांगीराबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि बुलंदशहर क्षेत्र के थाना जांगीराबाद में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश गोविंद शर्मा उर्फ गोलू को टांग में गोली मारकर घायल कर दिया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल बदमाश 25,000 का इनामी बदमाश है। दोनों बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर बदमाशों के बीच कई राउंड गोली चलाई और एक गोली बदमाश की टांग में लगी। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के पास से एक तमंचा, दो कारतूस, एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद हुई। सर, जो बदमाश के घायल होने की सूचना है, इसका पूरा क्या मामला है? जनपद में वांछित अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत जहांगीराबाद पुलिस द्वारा अमरगढ़ रोड पे भट्टे की पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। आज सुबह इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखे। पुलिस द्वारा इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो ये पुनः जो है मोटरसाइकिल मोड़कर अमरगढ़ की तरफ वापस हो गए। पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया। कारोजी पुलिया के पास इन्हें घेरा गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका उपचार सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस द्वारा मौके से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और एक बिना नंबर की पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा। जो बदमाश घायल है उसका नाम गोविंद शर्मा उर्फ गोलू है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। इस पर लूट, डकैती के बुलंदशहर और अलीगढ़ में 10 मुकदमे दर्ज हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।